मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, शिवसेना द्वारा कोलार क्षेत्र की समस्याओं को लेकर एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। शिवसेना जिला अध्यक्ष कुलदीप तिवारी ने बताया कि कोलार नगर निगम में कई बार जन समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। वहीं कुलदीप तिवारी जिला अध्यक्ष चेतावनी देते हुए कहते हैं कि इस बार जन समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो शिवसेना नगर निगम का कचरा और कीचड़ तहसील कार्यालय में भर दिया जाएगा। एसडीएम ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे जल्द ही उनके ज्ञापन पर सुनवाई करेंगे। कुलदीप तिवारी ने बताया है कि ज्ञापन में हमने 808 समस्याओं का जिक्र किया है, जिसमें जगह जगह सीवेज लाइन टूटी होने का, कचरा, पार्किंग सुविधा नहीं होने, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, नगर स्ट्रीट लाइट नहीं होना, रहवासियों को पानी नहीं मिलना एवं बिजली के बिल ज्यादा आना जैसी समस्याएं कोलार क्षेत्र में है, जिनका निवारण नहीं हो पा रहा है। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव चतुर्वेदी, प्रदेश सचिव भुवनेश्वर मिश्रा, प्रदेश प्रवक्ता मांगीलाल सैनी, संजय सोनी, रोशनी तिवारी सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिवसेना भोपाल द्वारा इसके पहले कई बार शांतिपूर्वक ज्ञापन देने दिया गया और यहाँ की जो रोड की समस्या है, यहाँ पे पानी नलों में गंदा आ रहा है और यहाँ पे ट्रैफिक का आए दिन जाम लगता हुआ है। तो आए दिन हम लोग कई बार शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन हम लोग शिवसेना की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। यदि शिवसेना द्वारा इस बार ज्ञापन देने पर यदि कार्रवाई नहीं की गई, जल्द से जल्द ट्रैफिक का है, बिजली के बिलों की जो दरें हैं वो ज़्यादा आती है, संबंधित हम लोग जाते हैं बात करने के लिए तो वहाँ संबंधित अधिकारी सही से बात नहीं करता है। आए दिन ज़मीनों पे कब्जा करके झूठे पट्टे बना के और उस पे कब्जा करवा के सरपंच सचिव बेच रहे हैं यहाँ पे इस क्षेत्र में। यदि जल्द से कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में हम लोग जो भोपाल नगर निगम का जितना भी कीचड़ है, गंदा पानी है, टैंकरों द्वारा बुलवा के हम इनके गेट में डाल जाएंगे। क्या कारण मानते हैं कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही है शिवसेना के द्वारा? जो शिवसेना को दबाने की कोशिश की जा रही है कहीं ना कहीं शासन द्वारा, चाहते हैं कि शिवसेना के लोग कहीं ना कहीं परेशान हो। इसमें कोई पार्टी विशेष का तो काम है नहीं है, ये तो हम लोग जन समस्याओं को लेकर काम करें, उसके बाद भी सुनवाई नहीं की जा रही है तो हम फिर अपने शिवसेना का अपना स्टाइल है, आवेदन निवेदन नहीं मानोगे तो दे दनादन, तो हम अपने स्टाइल में काम करेंगे। फिर जन समस्याएं हैं, जन समस्याओं को समाधान नहीं हो पा रहा, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? यहाँ पे प्रशासन सोया हुआ है। अभी नगर निगम के जो कहीं ना कहीं चुनाव जल्द हो जाने चाहिए था, लेकिन नगर निगम के चुनाव कहीं कोरोना का डर दिखाकर, मांगी का डर दिखा के चुनाव को वो पीछे कर दिया गया है, तो संबंधित अधिकारी इस पर अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि नगर निगम का कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।